अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेबल व्यूअर्स, MZS TV की जानिब से ज़ुबैर बशीर का सलाम कबूल करें। और आज की वीडियो फैसल टाउन फेज़ 2 के पेमेंट प्लान और उसके फॉर्म और उसके ऊपर दी गई शराइत डिटेल से बताते हैं, ताकि वो लोग जो बुकिंग कराना चाहते हैं उनके पास एवरी डिटेल पहुंच जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से नीट एंड क्लीन चलें। ये फाइल का सारा सिलसिला हमारे पास आ चुका है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज के दिन सारा कुछ रिवील होगा, तो ये ऑफिशियल चीज़ें हैं जो रिवील होने जा रही हैं और डिटेल से आपको सारी कुछ बताएंगे। तो ये द नेम वी ट्रस्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके पेमेंट शेड्यूल के ऊपर। ये मैं पेमेंट शेड्यूल आपके सामने आ चुका है और ये मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो जनाब, ये है पेमेंट प्लान, पेमेंट शेड्यूल इन पाक रुपीज रेजिडेंशियल प्लॉट इन फैसल टाउन FT2। ये FT2 जनाब, ये इसका एब्रिवेशन आप ज़्यादातर आए आपको देखने में मिलेगा। ए प्रोजेक्ट ऑफ फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, 18 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 54 मंथ्स। तो चलें जी, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 18। तो आपको 54 माह का ये पेमेंट प्लान मिला है और तकरीबन ये 4.5 साल बन रहे हैं जी, 12 × 48 और 48 × 6 = 54। तो उस हिसाब से ये 4.5 माह का पेमेंट प्लान है। आगे चलते हैं जी। इसके ऊपर जो ज़बरदस्त चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वो है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये जो पेमेंट प्लान है ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस है और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं जी और लिमिटेड प्लाट्स हैं ये। तो चलें डिटेल में आप जाते हैं। प्लाट साइज़ डिटेल में 2550 है, जिनका रकबा है 139 स्क्वायर यार्ड, 139 स्क्वायर यार्ड। और 2550 के जो मरले में बनता है वो है 5.56 मरला, मतलब 5.5 मरले से भी थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे 2545 भी आमतौर पर चल रहा होता है, लेकिन इनका 2550 वाला साइज़ है जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। नॉर्मल जो सोसाइटीज़ में पिच किया जाता है 2545 से 2540 तक भी है, लेकिन इनका 2550 है। उसके आगे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है जनाब वो है 27,80,000 और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है 15,000। तो टोटल बन जाता है ये 5 मरले का प्लाट 27,95,000। 27,95,000 में रजिस्ट्रेशन फ़ी इंक्लूड हो गई है। तो डाउन पेमेंट जो आप लोगों ने हमें भेजनी है वो बनेगी जनाब 5,95,000, मतलब 5,000 लेस दैन 6 लाख। 6 लाख में से 5,000 कम कर दें तो 95 इसकी टोटल बन रही है। और इंस्टॉलमेंट फ़ी जो क्वार्टरली है वो है 1,20,000, 1,20,000 आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जमा कराएंगे। तो ये टोटल 17 जो हैं वो 1,20 की हैं और जो 18वीं आखिरी जो पेमेंट है वो 1,60 की है। और इस तरह ये कुल बना के बन जाएंगे 27,95,000। इसमें जो गुड न्यूज़ है, मैं कहूँगा कि अवेल करनी चाहिए, बल्कि मैं इसके ऊपर अलहदा वीडियो भी बना दूंगा, वो है लंप सम अमाउंट के ऊपर 20% ऑफ। तो उस तरह 20% ऑफ करके 5 मरले की कीमत बन रही है 22,40,000। तो अब आप कहेंगे कि जी हम 4.5 साल पहले ही 22,40,000 में, तो चलो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और क्या फ़ायदा मिलेगा। तो और फ़ायदा आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको प्लाट नंबर जब लगेंगे तो सबसे पहले जिन लोगों की फुल पेमेंट है उनके प्लाट नंबर लगेंगे और प्लस उनको चॉइस सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप मैप के मास्टर प्लान के ऊपर आप बताएंगे, बता सकेंगे चॉइस सिलेक्शन में कि हमने ये वाला प्लॉट लेना है। खैर आगे बढ़ते हैं। 8 मरला जो है 30-60 और 200 स्क्वायर यार्ड इसका रकबा होगा और इसकी कुल कीमत होगी 38,25,000 रुपये। मैं अब शॉर्ट में तेज़ी के साथ आपको एक दफ़ा बता दूँ, फिर डिटेल में आगे चीज़ें बता देंगे। तो 8 मरला 38,25,000 और इसकी डाउन पेमेंट है 7,25,000 और इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 1,70,000 रुपये। और अगर आप फुल पेमेंट करेंगे 20% डिस्काउंट के बाद वो बनेगी 30,60,000 8 मरले। 10 मरला पे आ जाएं जी, वैसे तो 10.89 मरला बनता है ये 3570 और इसकी डाउन पेमेंट होगी जनाब 8,45,000। इसकी कुल कीमत बन रही है 10 मरला की 49,25,000 और विद 20% डिस्काउंट के साथ आप 39,40,000 में भी बुक करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आऊँ 14 मरला 14.22 मरला 40-80 जिसका साइज़ है, उसकी डाउन पेमेंट है जनाब 11,25,000, उसकी कुल कीमत है
60,95,000 और विद डिस्काउंट अगर आप करना चाहते हैं 20% के साथ तो वो बनती है 48,80,000 रुपये। उससे आगे आप आ जाएं तो एक कनाल की कीमत जो है 50,90,000, उसकी डाउन पेमेंट है 12,65,000 और उसकी कुल कीमत है 80,55,000। मतलब 80,55,000 का एक कनाल आप ले सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं 20% लमसम के साथ तो वो बनती है 64,40,000। मतलब 64,40,000 में आप एक कनाल यहाँ पे ले सकते हैं विद डिस्काउंट। उसके बाद आखिरी जो कैटेगरी है वो दो कनाल की है 75x120 और 1,000 स्क्वायर यार्ड इसका साइज बन रहा है। इसकी डाउन पेमेंट जनाब बन रही है 15,55,000 रुपये, जबकि इसकी कुल कीमत बन रही है 1,50,95,000 रुपये। तो ये तो थी इंस्टॉलमेंट के साथ। और अगर आप लंपसम पेमेंट मतलब 20% डिस्काउंट लंपसम के ऊपर अवेल करना चाहते हैं तो तब इसकी कीमत बनती है 1,20,80,000 रुपये दो कनाल की। ये तो थी इनकी कीमतें और इसके फीचर्स मैंने सारे आपको बता दिए। क्वार्टरली हैं जनाब और सारों की वो भी हैं। ये जो लोग डिटेल से देखना चाहते हैं वो थोड़ी देर पॉज करें वीडियो को और इसको सुकून से तसल्ली से देखें। अब आगे मैं आ जाता हूँ जनाब इनके फार्म के ऊपर। जो फार्म आ रहा है तकरीबन हर डीलर के पास ही आ चुका होगा जो बेचने वाले हैं उसके ऊपर, जो एंड यूज़र्स हैं मैं उनसे रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है अपने अथराइज डीलर को उनमें ये फार्म आपके सामने आ चुका है। फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलाटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लाट, सिंपल उन्होंने फॉर्म बनाया है, उसके ऊपर सारे ऑप्शन उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आ जाएगी और प्लाट साइज़ जो हैं जो पेमेंट प्लान में सारे बताए हैं 25, 50, 30, 60, 35, 70, 40, 80, 50, 90 और 75, 120, तो ये भी सारे इनमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। कमर्शियल तो अभी है नहीं है लिहाजा अभी कमर्शियल तो लॉन्च नहीं हुए, जब लॉन्च होंगे तो तब कमर्शियल के बारे में आ जाएगा। तो पेमेंट मोड इंस्टॉलमेंट और लमसम, यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट टिक करना पड़ेगा, लमसम है तो लमसम पे करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब स्टेटमेंट आ जाती है, डियर सर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अलाटमेंट ऑफ प्लाट सो, ये आप डिटेल में अगर जो पढ़ना चाहते हैं आराम सुकून से पढ़ लें। उसके आगे फुल नेम इन कैपिटल है, फादर्स नेम और CNIC नंबर, एज इन ईयर्स और उसके बाद ऑक्यूपेशन, टेलीफोन नंबर, सेल नंबर। अच्छा सेल नंबर इसमें याद रखना है हर सूरत में एप्लीकेंट ही का होगा, आपने किसी डीलर ने अपना नंबर यहाँ पे नहीं लिखना। ईमेल, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ईमेल लाजमी आप मेंशन करें क्योंकि जब सिस्टम बनता है तो आपको ईमेल जनरेट होंगी, जो आपके रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको ईमेल के ज़रिए भी मिलेंगी। तो लिहाजा मेरी एडवाइस है कि सेल नंबर आप अपना दें एप्लीकेंट और ईमेल भी लाजमी जो एक्टिव ईमेल है वो दें। मेलिंग एड्रेस भी आप डिटेल में लिखें कि ताकि आपके साथ मेलिंग के ज़रिए जो चीज़ें जानी हैं वो भी आ जाएं। और इसके अलावा आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। उससे नीचे जो वाला पोर्शन है वो नॉमिनी का है, नेक्स्ट ऑफ किन जो आपका प्लाट आपके बाद जिसके नाम पे जा सकता है इन केस ऑफ एनी समथिंग मिस हैपन। तो नॉमिनी के नाम, नेम इन कैपिटल, CNIC नंबर है, उसके बाद वाइफ, डॉटर, सन जो भी है, उसके बाद उनकी एज, उनका रिलेशन और उनका एड्रेस, ये चीज़ें आप सारी मेंशन करेंगे। और उसके बाद नीचे आ जाता है उसकी पेमेंट्स की डिटेल के मुताबिक, क्रॉस पे, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट है, अमाउंट है, ड्रॉन ऑन और इन फेवर ऑफ MS फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे सिग्नेचर, और अगर आप नहीं हैं तो आपका अथराइज डीलर यहाँ पे सिग्नेचर करता है, और नीचे फॉर ऑफिस यूज ओनली जो उनके ऑफिस के रिलेटेड हैं। तो ये था जनाब डिटेल में फॉर्म, और सिंपल फॉर्म है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं मैं दोबारा बता दूँ वो है आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस और आपका मेलिंग एड्रेस, ये आप लाजमी अपने दें। बाकी CNIC नंबर जो CNIC की कॉपी देंगे उसके ऊपर जो आपका नाम होगा और आपका जो वालिद का नाम या हस्बैंड का नाम आ रहा है वो आप स्पेलिंग दुरुस्त करके लिखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई चीज़ ना आए। अब आ जाते हैं जनाब इसकी टर्म एंड कंडीशन वाले जगह के ऊपर। ये आपके सामने आ चुका है टर्म्स एंड कंडीशन
ऑफ अलाटमेंट ऑफ प्लॉट, ये इसके अंदर टोटल 15 पॉइंट्स हैं। ये आप जो लोग इसको तसल्ली से देखना चाहते हैं वो पॉज करें वीडियो को और सारी टर्म एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लें। मैं सीधा सीधा इनमें से आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिनमें है जी कि रजिस्ट्रेशन फी विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जिनमें रेजिडेंशियल प्लाट की रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 15,000 है, नॉन रिफंडेबल, और कमर्शियल जो अभी लॉन्च नहीं हुआ जब होंगे तो उसकी फ़ी होगी 50,000, वो भी नॉन रिफंडेबल होगी, और ऑल प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि इनके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं, लेकिन दूसरी चीज़ आप याद रखें कि ऑल प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मेंबर शैल बी लायबल टू पे टैक्सेस लेवीज एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफर फी ईटीसी एंड अदर चार्जेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेल्स और ट्रांसफर ऑफ बुक प्लॉट यूनिट एज पर द एप्लीकेबल लॉ। तो याद रखें डेवलपमेंट चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड हैं, लेकिन उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फी और अदर चार्जेस हैं वो एक्सक्लूड हैं, वो आपको जब टाइम उनका आएगा तो पे करनी पड़ेगी। आप उस टाइम नहीं कहना कि मैंने सारा कुछ पे कर दिया है, वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये जहन में रखने वाली है। तीसरे नंबर पे कह रहे हैं जी पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड पोजेशन चार्जेस टैक्सेस ईटीसी शैल बी पेड बाय द अलॉटी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब शेड्यूल वेल इन टाइम, इन केस ऑफ बेल्टेड पेमेंट्स इन वायलेशन टू सैड शेड्यूल द अलॉटी शैल हैव टू पे द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ प्लॉट ड्यू टू द नॉन पेमेंट एप्लीकेबल एट दी एट दैट टाइम आर 2% एस्केलेशन चार्जेस पर मंथ विच एवर इज हायर, नो एक्सक्यूज शैल बी एक्सेप्टेड और एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, इन केस ऑफ कंटिन्यू डिफॉल्ट द अलाटमेंट ऑफ प्लॉट वुड बी लाइबल टू कैंसलेशन, सच डिसीजन वुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, ये तकरीबन हर पेमेंट प्लान के साथ जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं 19-20 के फ़र्क के साथ यही होती हैं कि सारे जो राइट्स हैं वो सोसाइटी के पास ही होते हैं और चीज़ें वो होती हैं। और खैर इन्होंने मोटा मोटा बता दिया है कि 2% तो या फिर जो एस्केलेशन चार्जेस होंगे इनमें से जो भी हायर होगा वो एप्लीकेबल होगा अगर आप लेट करते हैं या कैंसिलेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल ऑन अलॉटी एज एंड व्हेन प्रिस्क्राइब बाय मैनेजमेंट, इन केस ऑफ नॉन कंस्ट्रक्शन नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस शैल आल्सो बी एप्लीकेबल। तो मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं अगर आप नहीं भी कंस्ट्रक्शन करते तो आपके ऊपर पड़ेंगे, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है कि 500 स्क्वायर यार्ड विल बी ट्रीटेड इक्वल टू वन कनाल, वन कनाल का साइज भी उन्होंने बता दिया कि 500 यार्ड होगा। और एडिशनल पेमेंट, हाँ ये आप ज़रा नोट कर लें, 6 नंबर पॉइंट, एडिशनल पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लॉट शैल आल्सो बी पेएबल इन फॉलोइंग केसेस। ये डिटेल से समझ लें कि 5% एडिशनल इन केस ऑफ शॉर्ट कॉर्नर और प्लॉट विद ग्रीन एरिया लेक फ्रंट एंड बैक ओपन ईटीसी, तो इन कंडीशंस के ऊपर आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10% एडिशनल इन केस ऑफ प्रॉपर कॉर्नर और मेन बुलेवर्ड, तो जो कॉर्नर और मेन बुलेवर्ड है उनके ऊपर 15% होगा जी। और 15% एडिशनल इन केस ऑफ मेन बुलेवर्ड कॉर्नर, और जो मेन बुलेवर्ड का कॉर्नर होगा उसके ऊपर 15% है। ये कन्फ्यूजन आप सवालों में पूछते हैं तो ये लाजमी आप जहन में रखिएगा, जो लोग कैटेगरी प्लॉट के ऊपर जाना चाहते हैं तो ये डिटेल 6 नंबर में लाजमी देख लें। वो 7वें पे कह रहे हैं जिनाब, दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट शैल हैव द ऑप्शन टू अलॉट प्लॉट नंबर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सोल डिस्क्रिशन, ये जनाब राइट्स अपने पास रखे हुए हैं। अच्छा, इन केस अलॉटी डिसाइड टू विदड्रॉ अलॉटमेंट और कंटिन्यू डिफॉल्ट इन पेमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब शेड्यूल कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप और प्लॉट द अमाउंट डिस्पाइट बाय हिम और हर शैल रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% एडमिसिबल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन। अगर आप कैंसलेशन की तरफ जा रहे हैं तो इस शिक्ष को आपने गौर से दोबारा पढ़ लेना है। No interest whatever shall be payable in such refund cases. However, despite amount of 10% deduction is made if the allottee merge or transfer despite amount in same company scheme or in his or nominee membership registration in the same company profit if required in writing by allottee. हाँ, अगर आप merge कराना चाह रहे हैं दूसरे
प्लाट में या अपने नॉमिनी, तो उस सूरत में 10% डिडक्शन होगी जी, ये पहले बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट और ट्रांसफ़र ऑफ प्लाट हाउस इन एडमिसिबल ओनली विद द स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल लेड डाउन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज ऑन हिज बिहाफ। अगर आप गिफ्ट या मॉर्गेज की सूरत में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आपको प्रीयर अप्रूवल लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से। ऑल पेमेंट शैल बी इन द नेम ऑफ एम एस फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और एनी अदर एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक ऑफ टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स अलाटी। इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू मैंशन द नेम एंड प्लाट नंबर ऑफ डिपॉजिटर ऑन द बैक ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे तो इस सूरत में आप उसका प्लाट नंबर भी देंगे। प्लाट नंबर विल ओनली बी अलॉटेड या एलोकेटेड अपॉन 100% पेमेंट ऑफ प्लाट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो प्लाट नंबर कब लगेंगे जी? 100% पेमेंट के ऊपर। अगर आप लमसम करा रहे हैं तो तब भी आपको जल्दी लग जाएगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट के जरिए अपना पेमेंट प्लान पूरा कर रहे हैं तो तब जब आपकी 100% पेमेंट होगी तब आपका प्लाट नंबर लगेगा। फिजिकल पोजिशन ऑफ प्लाट विल बी गिवन टू यू और योर ऑथराइज्ड नॉमिनी आफ्टर रिसीव ऑफ 100% पेमेंट along with possession and other charges dues after receipt of 100% payment. Physical possession of developed plot shall be given to the allottee. Final adjustment of plot area would be dependent upon ground situation reality. तो ये ना, आप 100% जब आपकी पेमेंट ड्यूज कंप्लीट होंगे तब आपको फिजिकल पोजिशन उसका मिलेगा। The company reserve its right to accept or reject any or all requests received for allotment of प्लाट विद आउट असाइनिंग एनी रीजन। ये जनाब राइट से अपने पास रखे हुए हैं। द कंपनी मे चेंज प्लाट नंबर, लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लाट इफ द चेंज इज इनएविटेबल ड्यू टू अनफॉर्सिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस कीपिंग इन व्यू ऑफ लार्ज इंटरेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड द अलॉटी। द कंपनी रिजर्व द राइट टू चेंज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी क्लियर नोटिस एंड विल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा जी, ये सारी जो पावर्स हैं उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई हैं। द नंबर ऑफ प्लॉट शैल बी अलॉटेड टू द अलॉटी ओनली व्हेन एंटायर पेमेंट एंड रिसीव स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द पेमेंट शेड्यूल। द मैनेजमेंट शैल नॉट बी बाउंड टू अलॉट नंबर ऑफ प्लॉट्स एप्लीकेंट हु शैल कंटिन्यू टू बी डिफॉल्ट इन पेमेंट्स। ये भी जनाब राइट उनके पास हैं। और उसके बाद बता रहे हैं कि एडजस्टमेंट इन एरिया ऑफ प्लॉट वुड बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड सिचुएशन at the time of handing over physical possession, the cost shall be adjusted thereafter accordingly. तो ये जनाब जब possession के लिए भी थोड़ी सी जो 19-20 का फ़र्क है उसके लिए भी उन्होंने बता दिया है। और application duly filled in or to be submitted Faisal Town Private Limited office Rawalpindi Islamabad along with a pay order demand draft of the required value or copy of CNIC and one passport size फ़ोटोग्राफ। तो ये आपने लाजमी तीन चीज़ें तो करनी करनी है। और उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, आई हैव क्लियरली रीड अंडरस्टूड ऑल द अबव मेंशन टर्म्स एंड कंडीशन एंड इट्स मीनिंग इंटरप्रिटेशन बोथ विजिबल एंड इम्प्लाइड एंड हेयर बाई अंडरटेक टू सो इफेक्टो अबाइड बाई दीज। अच्छा जी चलिए, ये कार्ड डिक्लेरेशन भी आप आराम से पढ़ लें, और उसके बाद आपका साइन होगा, उसके ऊपर नंबर होंगे और आखिर में आपका मदर नेम है। खैर 19-20 के फ़र्क के साथ ये टर्म एंड कंडीशन जो जारी बात है सारे अपनी फेवर में बनाते हैं, इनकी भी अपनी फेवर में बनी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें थी आपको डिटेल से मैंने बताया, पेमेंट प्लान, इनके फॉर्म्स के मुतलक और इनके टर्म एंड कंडीशन के मुतलक। वो लोग जो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं जी पेमेंट प्लान क्या है, फॉर्म्स के अंदर हमने क्या डिटेल देनी है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो ये सारी मैंने आपको डिटेल से बता दी है, डिस्कस करनी है। मज़ीद अगर आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें उस जगह पे जहाँ पे आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की आपको पसंद आई होगी। MZS के साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बुकिंग करानी है कॉल करें, इंशाल्लाह आपके डोरस्टेप पे आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।